हजारों युग में संत पुकारे कोक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। एक पुन्नी एक पापी आया एक है सोम दलेल रे, गरीब दास सतनाम भजन बिन, जो दो मंत्र का दो अक्षर का नाम है उस नाम के बिना ये सब ही काल की जेल रे। तो पुण्यात्माओं हमने ये विश्वास करना पड़ेगा कि इन महापुरुषों ने जो यथार्थ स्थान की जानकारी हमें दी है और वहां चलने की विधि भी बताई है, आंखों देखकर परमात्मा को फिर ये वापस आए हैं। ये मेहर की है आप जी पर, हम सभी प्राणियों पर कबीर भगवान ने, कि ताकि इन काल की सताई आत्माओं की कुछ रुचि बन जावे और ये भक्ति कर ले, अपना पीछा छुटवा ले। हम सभी को काल ने या मूर्ख बना रखा है, बिल्कुल ये कच्चे खिलौने देकर हमें भलो रखा है। ये काया तेरी है, ये माया तेरी है, ये बेटा तेरा है या बेटी तेरी है, या कार तेरी है या कोठी तेरी है, और एक सेकंड में ख़त्म कर देता है। परमात्मा कहते हैं ये काल की सब हेरा फेरी है। इस काल की हेरा फेरी को हमने समझना है। ठीक है, जब तक हमारा संस्कार जिस भी परिवार या प्राणी से है कोई दिक्कत नहीं, इसमें ना तो हमारा ये जुगाड़ जुड़ा और ना ही हमारे तोड़े से छोड़े से छूट सकता। अब ये तो पहले तो हम अपने संस्कार से ही निमटना था, जैसा भी जिसका संयोग है। अब परमात्मा वो मिल गया जो हमारे संस्कारों को चेंज करेगा। अपने आत्मा हम सबसे ज़्यादा दुखी हैं संसारिक आडंबरों को, संसारिक मर्यादाओं को हमने इतना फैला लिया, अब ये सिमटनी मुश्किल हो रही है। जैसे सबसे बड़ा हमारे लिए एक बहुत बड़ा बाहरी पहाड़ बना हुआ है विवाह, बेटियों का विवाह हमारे लिए बहुत भारी बन गया। बन कैसे गया? क्योंकि हम इतने कर्म बिगाड़ लेते हैं, जैसे कोई रिश्वत लेता है इब तब वो आगा पीछा कुछ नहीं देखता, या 2 के 20 बनाता है, हेरा फेरी करके ठगता है, अगले जन्म में उसको देना पड़ेगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के 5 लाख रुपए ठग लिए, उसको नहीं दिए, तगड़ा था गरीब था नहीं बोल सका, अगले जन्म में वो कैसे लेता है? अगले जन्म में वो जमाई बनेगा और बेटी लेगा और 5 लाख रुपये का सामान देना पड़ेगा उसका। वो फिर ऐसे सुलझ जाएगा तुम्हारा, वो एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसी का पिता नहीं पूतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब बारा बाटा। तो अब परमात्मा ने वह रजा बख्शी है, आप जी के उन संस्कारों को अपनी कलम से अब कैंसिल करेगा। अब उन्हीं बेटियों का विवाह हो रहा है, उन्हीं से संयोग जोड़ा जा रहा है, उनका लेन देन दोनों को भक्ति मार्ग से अपनी कलम से अपनी शक्ति से उन संस्कारों को परमात्मा फिनिश करके अब यहाँ देख रहे हो बिल्कुल सिंपल वे से विवाह किए जाते हैं। तो ऐसे और भी बहुत से ऐसे संस्कार जो हमारे परमात्मा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, जो हमें बहुत आगे चल के दुखदाई होने थे, उनको अब ये ठीक करते चलेंगे। तो ये तरीका हमें बता रहे हैं सतलोक चलने का। हम काल के जाल में फंस गए, अब जब तक हम यहाँ से नहीं निकलेंगे, हमारे ये जो संस्कार हैं ये हमें यहाँ से पार नहीं होने देते। तो हम जब परमात्मा पूर्ण की शरण में आगे सत भक्ति करेंगे, नियम में रहेंगे, तो उस परमात्मा के हाथ में हमारे कर्म के अंकों को चेंज करने की पावर है, और वो कर्म के अंक अब समाप्त करवाए जा सकते हैं। ये तरीका है, ये विधि है जो परमात्मा हमें बता रहे हैं।
अब हम यहाँ शादी विवाह या कोई और खुशी होती है बहुत ही ज़्यादा पता नहीं किस किस प्रकार के बाजे साज बाज बजाते हैं। परमात्मा कहते हैं ये खुशी आप जो मना रहे हो ये खुशी नहीं है। एक व्यक्ति ने हमें बताया, उसने कहा जी हमारे जो है ना 6 साल हो गए, मेरे 7 वर्ष बतावा था कि हमने कोई त्योहार मना के नहीं देख लिया। ऐसी मृत्यु होती है या तो घर के सदस्य की युवा, या कोई कति भाई चाचे ताऊआ में, या कोई रिश्तेदार जैसे बाण का बटेऊ मर गया, पति मर गया बहन का। हमने 7 वर्ष बताओ था ने बोला हमने त्योहार मना के नहीं देख लिया। और जिन कया चोट नहीं लगी वो बकवाद करें, तो हमने परमात्मा के इस मार्ग को समझने के उपरांत ये सोच लेना चाहिए किस चीज को ऊपर आज खुशी मना रहे हैं। कल ना जाने के बिजली गिर जाए। अब क्या बताते हैं, सत्संग की आधी घड़ी और तप के वर्ष 1000 कहें कबीर, तास पटत्तर ना तुले कहे कबीर विचार। अब क्या बताते हैं, आज हमारे रंग संत समागम है रे, कथा कीर्तन गावण धावण बहुत सुने प्रसंग, मन की कुटिलता छूटत नाहीं यो मन बसे भवंग। दिल दरिया में भंवर पड़त हैं उठे अंत तरंग, त्रिकुटी महल में जाए बसोरे जा बह सहस मुख गंग। का कहूं कुछ कहा न जाई मूरत अचल बिहंग, अरस पियाले सदमत वाले काहे को घोटो भंगे। दास गरीब मिटे सब झगड़ा करो साध सत्संग। कितनी प्यारी बात कही है कि दास गरीब मिटे सब झगड़ा और करो साध सत्संग। साधों का यानी तत्वदर्शी संतों का संग करो, उनसे ज्ञान सुनो, तुम्हारा सारा झगड़ा मिट जाएगा। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि तुम यहाँ जो खुशी मना रहे हो ये यूजलेस है। आप खुशी मनाओ, परमात्मा के गुण गाओ। गगन मंडल में गोमट है रंग होरी हो, श्वेत दजा फर्राव राम रंग होरी हो। अब जैसे हम यह होली खेलते हैं, पहले बिना ज्ञान के बंदर के समूह कर लिया करते हैं, लाल पीले अड़ंगे स्वर्ग शरीर पर डाल देते, को गारा को गोबर, किसी की आँख फूट जा किसी का, फिर फुहार वो छोड़ा करते, बम पटाके किसी की आँख जल जा किसी का हाथ जल जा किसी के जो है ना आग लग जा, बहुत नुकसान होते, फिर वातावरण कितना दूषित होता है। हमने सब तरीकों को बदल दिया। पहले देसी घी की जोत जलाया करते थे, फिर मोमबत्ती लाने लगे, दूनी कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या खुशी क्या। तो परमात्मा कहते हैं जो तुम यहाँ खुशी मना रहे हो ये खुशी नकली है। अब खुशी मनाओ, होरी होरी माने खुशी, परमात्मा के नाम की उस रंग की होली खेलो, राम नाम के में रंग जाओ, परमात्मा की भक्ति में रंगो। गगन मंडल में गोमट है रंग होरी हो, वा श्वेत धजा फर्राव राम रंग होरी हो। अब कहते हैं ऊपर एक सफेद गुमट है सतलोक में, सभी वेद भी यही प्रमाण देते हैं, आंखों देखा
परमात्मा के प्यारी आत्मा जिनको परमात्मा मिले सतलोक लेकर गए फिर छोड़ा, वो भी यही प्रमाण कर रहे हैं। गगन मंडल में गोमट है रंग होरी हो, वहाँ श्वेत ध्वजा फहराव राम रंग होरी हो, बुद्धि बानी से आगम है रंग होरी हो, सुरत नरत जहाँ लाव राम रंग होरी हो, नाभि कमल ब्रह्मा भये रंग होरी हो, ये सर्जे विष्णु महेश राम रंग होरी हो, या त्रिगुण माया बिस्तरी रंग होरी हो, ये किया सकल परवेश राम रंग होरी हो, चंद सूरज पानी पवन रंग होरी हो, कच्छ मच कोरंब राम रंग होरी हो, ओम मंत्र आदि है रंग होरी हो, रचे सकल आरंभ राम रंग होरी हो, तीन गुणन पर ताकत है रंग होरी हो, पांच तत्व पर काश राम रंग होरी हो, सुर नर मुनि जन देवता रंग होरी हो, सावतरी और गौरी राम रंग होरी हो, लक्ष्मी विष्णु संग है रंग होरी हो, कमलापति मैं भंवर राम रंग होरी हो, ये किन्नर भूत पिशाच है रंग होरी हो, दान्य दंत अपार राम रंग होरी हो, राक्षस का रासा कहूँ रंग होरी हो, रचे सकल परिवार राम रंग होरी हो, गण गंधर्व ज्ञानी गुणी रंग होरी हो, ये चातुर्मूड अनंत राम रंग होरी हो, ओम नाद अगाध है रंग होरी हो, अजब नवेला कंत राम रंग होरी हो, लख चौरासी जाति है रंग होरी हो, ये चार खान के जीव राम रंग होरी हो, अंडरज जेरज उद्बुदा रंग होरी हो, ये श्वेत खान रचि पीव राम रंग होरी हो, आत्म और परमात्मा रंग होरी हो, एक देही मैं दो राम रंग होरी हो, सतगुरु मेला करत है रंग होरी हो, चलो अगमपुर धाम राम रंग होरी हो, मन मथुरा तन द्वार का रंग होरी हो, जहाँ बस जगदीश राम रंग होरी हो, मल्लागिर चंदन चरच रंग होरी हो, कस्तूरी निज गंध राम रंग होरी हो, अधर फुआरे छोटत हैं रंग होरी हो, ये बरसाना ब्रह्मरंद्र राम रंग होरी हो, या बरसाना के अंदर मथुरा के पास वृंदावन, वृंदावन से बरसाना जहाँ की राधा थी, अब कहते हैं बरसाना की होली सबसे ज़्यादा सुप्रसिद्ध है और वहाँ बरसाना होली खेलने लोग जाते हैं, परमात्मा कहते हैं ब्रह्मरंद्र है हमारा बरसाना, ब्रह्मरंद्र जहाँ से हम फिर अब आगे को स्टेप आगे के कदम रखेंगे, हम तो वहाँ वहाँ जा कर के उस मालिक से अपना ब्रह्मरंद्र में जाकर हम वहाँ खेलते हैं होली। सतगुरु मेला करत है रंग होरी हो, चलो अगमपुर धाम राम रंग होरी हो, दिल ही अंदर द्वीप है रंग होरी हो, अगम भूमि स्थान राम रंग होरी हो, मूल कमल को बांध ले रंग होरी हो, पान अपानम जीत राम रंग होरी हो, द्वादश ऊपर दर्श है रंग होरी हो, दरो जान की धूप राम रंग होरी हो, गुदा कमल में मदन है रंग होरी हो, उल्टी नाल अपूठ राम रंग होरी हो, बंक नाल अमृत झरे रंग होरी हो, अमृत रस को घोंट राम रंग होरी हो, तिरवेणी प्रताप